हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका रजत और वेलकम टू माय चैनल द रजत। तो आज मैं अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि मैं थ्रेडोलाइट पे बनाऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्रेडोलाइट क्यों यूज़ करते हैं। थ्रेडोलाइट से हम ईजिली किसी भी, अगर हमें एंगल्स में काम करना और हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो हम थ्रेडोलाइट को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, हम हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल्स में भी काम कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें मेन चीज़ क्या है कि हम इससे किसी भी एंगल पे अगर लाइन लगानी हो तो हम इसमें इजीली लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एक पॉइंट किसी एंगल पे है और आपने चेक करना है कि आपका दूसरा पॉइंट किस एंगल में है, या आपको वही पॉइंट को लगाना है किसी एंगल पे, तो वो आप इसकी मदद से आराम से लगा सकते हो और इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और हम इसको कैसे सेट करते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इसका ट्राइपॉड स्टैंड है। इसमें क्या है, ये इसके स्क्रू हैं इसकी लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि आप सबको पता होगा। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें बबल ट्यूब दी हुई है इस ट्राइपॉड स्टैंड को लेवल करने के लिए। उसके बाद क्या है, ये इसका लेवलिंग हेड है। ये इतना पोर्शन इसका लेवलिंग हेड है। ये इसके लेवलिंग स्क्रू है इस थ्रेडोलाइट को लेवल करने के लिए, जो इसकी ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, यहाँ पे इसकी बबल ट्यूब दी हुई है इसको लेवल करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका एक लॉक दिया हुआ है। ये लॉक इसके लिए है कि जब हमको अपना सेंटर पॉइंट निकालना हो, उसमें क्या करेंगे, हम मशीन को कहीं पे भी, जहाँ पे भी इसका सेंटर निकल रहा होगा, वहाँ पे इसको फिक्स करके इसको लॉक डाउन कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी ये जो मशीन है ये मूव करना बंद कर देगी और वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसी के साथ साथ आगे ये इसके क्लैंप स्क्रू हैं। ये इसका लोअर क्लैंप स्क्रू है, दूसरी साइड यहाँ पे इसका अपर क्लैंप स्क्रू है। इनका क्या रोल है, मेनली ये बस इसको लॉक करने के लिए हैं। जब हम इस लोअर क्लैंप स्क्रू को लॉक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये प्लेट लॉक हो जाएगी, ये वाली प्लेट लॉक हो जाएगी और आपका ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो इजिली मूव कर लेगा, ये देखिए। इसी के साथ साथ जब आप इस अपर क्लैंप स्क्रू को लॉक कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो ये ऊपर वाली प्लेट है ये मूव करना बंद कर देगी। तो ये सिर्फ एक लॉक करने के लिए काम आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसके टेंजेंट स्क्रू दिए हुए हैं। ये इसका लोअर टेंजेंट स्क्रू है, दूसरी साइड यहाँ पे इसका अपर टेंजेंट स्क्रू है। इसमें क्या है, ये हमारे स्लो मोशन के काम आते हैं। इसका एक पार्ट जो होगा वो इसकी स्लो मोशन के लिए, जब हमें कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारा स्लो मोशन में मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी साइड वाला टेंजेंट स्क्रू होगा, उसमें क्या है, ये जो आपकी गेज दी हुई है इसको आपको जिस भी एंगल में सेट करना होगा उसमें आप इसको इजीली मूव करके, तो अपनी जो गेज होगी वो धीरे धीरे जिस भी एंगल पे आपको सेट करनी होगी वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो इन दोनों का ये पर्पस है। उसके बाद यहाँ पे इसकी बबल ट्यूब दी हुई है। इस बबल ट्यूब को हम जब लेवल करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रहनी चाहिए, इससे हमें अपना लेवल पता चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसके लेंस दिए हुए हैं, ये दोनों साइड पे लेंस दिए हुए हैं। इसमें क्या है, जब हमें अपनी गेज की रीडिंग देखनी होगी तो हम इस लेंस से देख के इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो उसी के साथ साथ ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में दो प्लेट्स होती हैं, ऊपर वाली प्लेट्स में वर्नियर स्केल होता है और नीचे वाली प्लेट में मेन स्केल होता है। इसमें क्या है, इसमें अपने जो भी एंगल्स होते हैं वो हमें गिवन होते हैं। जब हम इस गेज में देखेंगे तो हमें इसमें इसके एंगल्स गिवन होंगे, जिस भी एंगल में हमें सेट करना होगा। इस सब चीज़ को मैं आपको अगली वीडियो में डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनका क्या है, कैसे इसको सेट करना है, वो सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझा दूंगा। इसी के साथ साथ ये इसका ए फ्रेम है, ये ए शेप में दिया हुआ है, ये ए फ्रेम है। ये किस लिए, अपने टेलीस्कोप को होल्ड डाउन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसका वर्टिकल सर्कल दिया हुआ है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है वैसे इसका वर्टिकल सर्कल है। इसमें भी गेज दी हुई है, इसमें भी इसके एंगल्स वगैरह गिवन है जिसको हम इन लेंस में देख सकते हैं। जिस भी एंगल पे अगर हमें कोई वर्टिकल एंगल लगाना है वहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद हमें अपनी गेज को देखना है कि ये उस एंगल पे सेट है कि नहीं है, जिस भी एंगल पे हमें काम करना है उसके बाद इसको सेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसकी बबल ट्यूब दी हुई है। ये बबल ट्यूब क्या है, इसका भी सेम पर्पस है, इसको लेवल करने के लिए। यहाँ पे इसका मिरर दिया हुआ है,
ताकि हमें जब अपनी बबल ट्यूब को देखना हो हम इस मिरर में से देख के अपनी बबल ट्यूब को सेट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे इसका ये टेंजेंट स्क्रू है। इस टेंजेंट स्क्रू का क्या पर्पस है कि जब भी हमें अपना कोई भी एंगल को सेट करना होगा तो हम इसको मूव करके हम इसमें कोई भी अपने ऑब्जेक्ट को स्लो मोशन में देख सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्लो मोशन के काम आएगा आपके। उसके बाद यहाँ पे इसका क्लैंप स्क्रू है, ये भी वही पर्पस है लॉक करने के लिए। जैसे नीचे दिए हुए हैं वैसे ही इसको लॉक करने के लिए, टेलीस्कोप को लॉक करने के लिए। जब आप इसको टाइट कर देंगे तो ये मूव करना बंद कर देगा। उसके बाद ये आपका टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप में क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट पीस है, ये आपका आइस पीस है। इस आइस पीस के पास क्या है, यहाँ पे इसका फोकस दिया हुआ है। इस फोकस से क्या होगा, जो आपके इसके बीच में क्रॉस हेयर होंगे वो लाइट और डिम करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका फोकसिंग स्क्रू है, आपको अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो आप इससे फोकस कर सकते हो। उसके बाद ये इसके गन पॉइंट है, एक गन पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ये किस लिए है कि कोई भी आपको ऑब्जेक्ट को अपना एक रफली सेट करना है कि वो किस पोजीशन पे है, तो आप इस गन पॉइंट से देख के अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि वो कहाँ पे है और उसी हिसाब से बाद में आप फोकस करके अपना ऑब्जेक्ट को देख लोगे। उसके बाद लास्ट में ये पोर्शन रह जाता है, इसमें क्या है, इसमें एक प्रिज्म लगा हुआ है जो कि 45 डिग्री एंगल पे सेट किया गया है। उसमें क्या होगा, जब भी हम इसके अंदर से देखेंगे, इसके अंदर क्रॉस हेयर होंगे, उन क्रॉस हेयर का से क्या होगा, हमें अपना सेंटर पॉइंट सेट करना है। मेनली ये हमें सेंटर पॉइंट सेट करने के लिए होगा। जब हम इसमें से देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो इसमें दिखाई देगा, और जहाँ पे भी आपका सेंटर पॉइंट लाई करेगा, जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो मैं इसके जो भी क्रॉस हेयर होंगे उसको इसके बीच में सेट करके इसमें मेरा सेंटर पॉइंट सेट हो जाएगा। और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे इसको लेवल करते हैं, कैसे हम इसकी सेंटरिंग करते हैं, तो इसके जो भी पार्ट्स को आपको कैसे इसको सेट करना है वो सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो